वेलकम बैक। बात हो रही है सेनेट इंतखाबात के वाले से और ख़ास तौर पे पीडीएम तहरीक की। लगता यह है कि इस वक्त हुकूमत अपोजिशन का जो प्रेशर था वो बर्दाश्त करने में कामयाब हो गई है। अब देखना यह है कि पीडीएम क्या करेगी और पीडीएम का अगला लायमल क्या होगा। जी सरदार साहब, अच्छा, महंगाई पेट्रोल नहीं मैं हो रही। ये कह रहा था कि अदील साहब ने इतनी जोरदार इसके ऊपर तकरीर की है तो बंदे ये समझ आते कि पता नहीं सब कुछ इधर दूध और शहद की नहरें बह रही है। पीपल्स अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो किया है ना, जो कितने जोशीली, इन्होंने तकरीर जी कर जी दी है। इधर हाँ, 12 साल 13 साल से जिसकी यहाँ पर गवर्नमेंट है, दुनिया सारी आप घूमेंगे ना तो ये पहली जगह आपको मिलेगी जहाँ शराह खानगी 4% कम हुई है। ये इनके हिस्से में काम आ रहा है। कि पता नहीं इसके कहाँ से अलावा फिगर आ गया आप सुन उसने। लेना, सुन लो सुन लो, आप सही है सुनेंगे फिगर। नहीं तो फिर कैसे आपने जवाब अपनी मर्जी कर देने। बात ये है, लड़काना क्या लड़ने लगी बात तैयारी कर करते रहे हैं। हैं, जी जी सिर्फ बिल्कुल गिलगित बात, जीबी के अंदर जो ये अभी इलेक्शन आ रहे हैं बुरी वहां पर तरह 25 दिन पूरी मशीनरी वहां ये लगाई गए हुई हुए थी थे, उन्होंने। सिर्फ एक बात के ऊपर आ रहे हैं, जिनसे जो जो पीपल्स एक पार्टी के बात के बड़े ऊपर, होते हैं एक बात वोट के, इनके निकले। एक ये तो बात तारीफ ये उतारी सुन हो रहे, जमात इस्लामी के भी अभी बड़े अभी होते आप हैं। बात जंग नहीं उनसे नहीं करने दे रहे, होता, अभी आप पता नहीं बात कहाँ नहीं करने वोट दे के रहे, अंदर तादाद फारूकी पुलिस साहब आती बात है नहीं पुलिस करने आती दे है रहे। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं एक नहीं बात के ऊपर आ रहे जैसे हैं, पीटीआई सुन साहब लें, ने कहा बात नहीं है जज करने से दे रहे। पूछिए, मैं जज कह रहा हूँ से एक, पूछिए, ये सुन सिलेक्शन लेना है, जज जबरदस्त से बात पूछिए। है ये, जज आप इसका से जवाब लेना दें। भी भरपूर मैं कह रहा हूँ जो लॉन्ग जीबी के अंदर भरपूर ये लॉन्ग इलेक्शन जी आ रहे हैं ना, भरपूर उसका जो बिलावल साहब ने जो वहां पर तकरीरें की हर जलसे में, कौन सी, कि मैं जीबी को लड़काना बना दूंगा, उन्होंने कहा अल्लाह के लिए हमें लड़काना गली न अंदर गली बना बनाना, दिया। बड़े अच्छे इस पढ़े वजह लिखे से लोग के उन्होंने सारे इनको वोट नहीं दिया। मैं एटी कहता प्लस अगर वहां का ये बात ना लिटरेसी कहते रेट तो है, शायद इनको बड़े कोई लिखे ना कोई लोग हैं, वोट उनको मिल पता जाए। था, उनको पता था, इनको पहले आजमा चुके हैं तो क्या इन्होंने लड़काना सर बनाना कुछ नहीं उसको। किया ना, जी सर 30 सालों से मैं ये जी साहब यहाँ आखिरी पर बात लगे पूरी हुए है, मुस्लिम हैं लीग ने उनका दोनों मकान लेना है। पार्टियां। मैं जी आप सर, सुन लीजिए मैं जी जरा, सर, मैं अदील साहब मौलाना ने के ऊपर जी जरा बात मैं जी कर साहब रहा आप हूँ। कर के मैं दिए, सही अदील में आप साहब रहते को, हैं, आपने सर्व किया। सर अदील साहब एक मैं बात कर जरा रहे थे कि जी हम एक मिनट आता हूँ आप दे आपस रहे में, हैं, आप एक तो सब मिनट आप दे दे रहे रहे हैं हैं या या कुछ कुछ मौला बात फजल रहमान ये के है ऊपर कि बात करें। पीटीआई ने पीटीआई कौन से दूध और नहर वो शहद की नहरें भरी, को 2.5 साल हुए हैं, इनको तो 35 साल हो गए। ने ढाई एक साल में भी कोई जवाब प्रोजेक्ट, देने के ये जो आपने बाद सवाल किया इनसे, जी मैं वही सवाल अगर इनसे करूं हाँ कि एक भी प्रोजेक्ट बता दें पाकिस्तान में जो हाँ इन्होंने किया, कराची सी पैक पे में, कराची तख्ती, में सी बता पैक पे दें। तख्ती ये लगा रहे हैं, सही, जो ऑरेंज ट्रेन है उस पर तख्ती ये तख्ती लगा लगा रहे रहे हैं। हैं, सही, मोटरवेज जितनी बनी हुई है नून लीग की उस पर तख्ती ये लगा वो रहे शायद हैं। तख्ती की बीआरटी बात बनाया नहीं है है वो मुस्लिम, एक आप बीआरटी का सुने, नाम लेते रहेंगे, आप सुन लें वो भी जिसको जंगला उसके बस बोलते रहे ये लोग, आज वो खुद बना रहे। मेजर इमरान साहब खान आप ने सुन कुछ लें, बेहतर तो किया मेजर इन्होंने। साहब अच्छा सुन देखिए, लें, इमरान खान साहब की मेजर नीयत पे साहब कोई सुन शक नहीं है, लें, ठीक ईमानदार है आदमी है, सही, अच्छी नीयत है, लेकिन अभी तक अपनी टीम फॉर्म नहीं कर सके हैं। सही, अब सी इंतजार में आप जिस है बात और पे पूरी आप आवाम सुन लें, इंतजार में है पाकिस्तान के कि कब सबसे बड़े डिलीवरेंस सुबह होगी, में कब डिलीवरेंस होगी। बाकी पीपल्स सर काम हो पार्टी रहा है, और किसी और हमारी जमात हुकूमत दूसरी के से तो अंदर आप अभी तक एक्सपेक्ट कोई ही नहीं कर चोरी सकते। नहीं ठीक है हुई, किसी ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट के मुस्लिम अंदर लीग ने चोरी उनका नहीं मौका हुई, लेते हैं। जी किसी सरदार को साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। डॉक्टर अफरानुल्लाह साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। खासतौर पर इस वक्त बात हो रही है सेनेट इंतखाबात के वाले से। शो ऑफ हैंड्स का मामला जो है वो है और क्या आईनी तरमीम के जरिए ये मुमकिन होगा। दूसरा, साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा, आपको लगता है कि ये हुकूमत मार्च से पहले घर चली जाएगी? डॉक्टर अफरानुल्लाह साहब, कि हुकूमत जो है वो मार्च से पहले जो है उससे घर जाने के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं, और जो परफॉर्मेंस रही है पीटीआई की पिछले 8 साल में केपीके में और पिछले 3 साल में पाकिस्तान में, उसके बाद इस बात पर जवाब तो बनता नहीं है कि इनको मजीद और टाइम दिया जाए। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें मुल्क में, चाहे महंगाई हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, हर चीज़ तबाह बर्बाद करके रख दी है इन्होंने सारे पिछले इनको ढाई बोले साल ये के आपने अंदर। सासे बाहर से वापस और ले आते आए, हैं, नवाज शरीफ आएंगे कितने आपकी पैसे तरफ भी बाहर आए, लूट के ले सरदार गए, साहब ये ले आएंगे आए ना, यहाँ पर आपकी महंगाई तरफ खत्म पहले हो जाएगी। उनको सुनने दें, उनको सुनने दें, सुनने दें। ये जाहिल किस्म के लोगों को आप बुला के बिठा देते हैं, पता नहीं कौन। आप मुझे बताएं भाई, आज हम सुन रहे हैं ट्रांसपेरेंसी आपको, सुन रहे हैं इंटरनेशनल कह रही है कि करप्शन बढ़ गई है पाकिस्तान में, कैसे बढ़ी है अगर आप लोग ईमानदार हैं? भाई, सात आप हजार अगर चोरी आप ना अपने करते टैक्स तो चोरी करप्शन किया, ना बढ़ती आप ना, आएंगे, आप आए चोर चोरी के की तरफ हिसाब तो आएंगे। दे नहीं रहे, पहले आप सुनने इतने दें, सुनने बदतमीजी दें के सर, बातें उनकी कर बात रहे हो सुनने जो दें, टेलीफोन पे आवाज नहीं आएगी हमें। आप सुनने अफनान साहब, आप अपनी बात और कंप्लीट आप करें। डाकू सारे आप लोगों के साथ बैठे हुए और दूसरों का आप बोलते हैं ओ भाई, जहांगीर आप तो खान के डाकू अरे फौजदार हो। अफनान साहब, अफनान साहब आप कंप्लीट करें। आपका बंदा नहीं है जहांगीर खान तरीन, अलीम खान, अलीमा बाजी, ये पिंकी बिरनी क्या सारे दिन माल बैठ के बना रहे और कर क्या रहे? तो ये कौन ये है जिसकी ना कहानियां पाकिस्तान में और ना बैरून मुल्क भी कोई कहानियां जायदाद नहीं थी, वो कौन है? भाई वो आपका वाले साहब है जिनकी ना पाकिस्तान में ना बैरून मुल्क क्या कहते हैं कोई वो जायदाद है, कौन है, क्योंकि जानते हैं आप उसको? वो मैं बता रहा हूँ ना कौन है, वो हाँ, इमरान खान है। वो जो मरियम पाकिस्तान नवाज में मैंने बैरून मुल्क सुना था जायदाद जो नहीं है, सफदर की बीवी है। वो सुना गुना आपने, कहते हैं आपका दमाग कम चलता है, जबान ज्यादा चलता है, हाँ, मसला ही है। आपके पास अरे का दिमाग है साहब ही नहीं। सुनने दें, तो आप फिर सुनने दें, आपकी तरफ मैं इसके आऊंगा, बाद में आपका मेरा मौका मसला ही जरूर नहीं होगा। लूंगा। बीच अफनान साहब जी, में मुझे कंप्लीट कीजिएगा चौके अपनी जा बात। रहे हैं। हाँ जी बोले। जी अफनान साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि
पिछले 2.5 साल के अंदर आप कोई चीज उठा के देख लें, हमने आटे की प्राइस क्या छोड़ी इन्होंने क्या कर दी, हमने चीनी की प्राइस क्या छोड़ी इन्होंने क्या कर दी, डॉलर कितने का था इन्होंने क्या कर दिया, महंगाई जो है वो कहाँ से कहाँ पे ये लोग ले गए, इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी 35 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये वो लोग हैं जिनसे आज तक एक प्रोजेक्ट नहीं लगा, 8 साल हो गए, एक पिशावर बीआरटी है जो पूरे पाकिस्तान में एक ही पीटीआई का प्रोजेक्ट है पिशावर बीआरटी, वो भी नहीं चलता अल्लाह के फजल से। तो ये वो लोग हैं जिनका ना देखे इमरान खान का ना अगला है ना पिछला, इसकी जबान में कोई एतबार नहीं है। आज वो फरमा रहे थे कि जी पहले 3 महीने तो मुझे इस चीज को समझने में लग गए कि कैसे चलता है, फिर उसके बाद 1.5 साल ये समझने में लग गए कि जी मुल्क की इकोनॉमी कैसे चलती है। वो भाई अगर आपने 500 साल लग जाएंगे, इमरान खान का जितना दिमाग चलता है ना सही, सारे दिन तो वो ड्रग लेके बैठे रहते हैं, उनको 500 साल लग जाएंगे कहते समझने के अंदर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में सरदार असलम साहब हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, आदिल फारूकी हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मेजर रिटायर्ड नदीम शेख तजिया खा रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर अफरानुल्लाह बता रहे थे और ख़ासतौर पर बीआरटी की अगर हम बात करें, करप्शन उसमें आपका बिलियन ट्री जो मंसूबा था उसमें करप्शन, अलीमा बाजी के वाले से सवाल तो सुन लें, ये वो चीज़ें हैं जो आप पे इल्ज़ाम हैं, इसमें से साबित भी हुए हैं, कोर्ट से जंगी तरीन अलग हुए, शुगर माफिया, ये सारे वो लोग हैं, और इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इस करप्ट माफिया को नहीं छोड़ूंगा, वो उनका हिस्सा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जहांगीर तरीन अपनी बात का खुद जवाब देगा, हम उसके वकील नहीं है, और तो आपके आई वाले उस वकत आप वकील थे जब वो जहाज भर भर के आपके लिए हुकूमत बना रहा था, तब आपके वकील थे, आज वो बेचारा किसी काम का नहीं रहा, आपने फेंक दिया उसके जाती काम के ऊपर, कभी भी हम वकील नहीं थे। पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसने कभी किसी ना अलीम खान की वकालत हेली वो भर के लेके आता था, तब आपके काम का था, जब वो हेली उड़ाता था, बंदे भरता था, परमिट बनाता था, तब उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं था। अब उसके ऊपर इल्जाम लगाए, वो कोर्ट को फेस कर रहे हैं, वो कोर्ट के अंदर इनकी तरह भगोड़ा नहीं है, जो बाग के जो है ना वो बाहर बैठ गया और यहाँ पर इनको रोने के लिए सड़कों के ऊपर छोड़ा हुआ है, और ये जनाब ऐसे यतीमों की तरह फिर रहे हैं और कहते हैं कि भाई हमारे पास वो नहीं है और दिमाग नहीं है, इनके पास कौन सा दिमाग है, कौन आएगा? मियां साहब वापस आ रहे हैं कोई, ये तो अब इसके मौत के बाद ही अगर आ जाए तो हमें नहीं पता, लेकिन अल्लाह ना करे, नजर नहीं आ रहे, अल्लाह ना करे। लेकिन आप आदिल फारूकी साहब खासतौर पे लगता है, क्योंकि अफरान साहब भी यही कह रहे हैं कि इस हुकूमत को जाना होगा, आपकी लीडरशिप भी यही कह रही है, इस्तीफे पहुंच गए हैं आप लोगों के बाद से, इस्तीफों के जरिए तो नहीं जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रोटेस्ट करने से या कोई होगा गेम बड़ा? सर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब इस मुल्क से चाही ही जाएगी, उसकी वजूहत है, हमने पहले भी कहा था कि ये इनको गिराने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने वजन से गिर जाएंगे। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर पहले बात हुई, पहले मैं एक सेकंड इंतहाई इख्तसार के साथ कि जो भी बंदा बात करे क्रॉस टॉक नहीं होनी चाहिए ताकि सबको समझ आए। इन्होंने बात की जी, आपने बात की जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने क्या मंसूबे किए, ठीक है मान लिया आपकी एक एक लम्बे के लिए आपकी बातें जी, हमने कोई काम नहीं किया, नून लीग वालों ने कोई काम नहीं किया। आप मुझे बताएं 2.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लियारी से आपने सिलेक्टेड एक एमएनए उठा के खड़ा किया, बिलावल को इलेक्शन आपने अरवा दिया, ठीक हो गया। यहाँ से इनके 13 मेंबराने असेंबली हैं, सदर पाकिस्तान का हल्का इंतखाब कराची, प्राइम मिनिस्टर का हल्का इंतखाब कराची, 4 आपके इंपॉर्टेंट वफाकी वजरा यहाँ से, कोई एक प्रोजेक्ट मुझे 2.5 साल के अंदर ये बता दें इन्होंने सिर्फ इस कराची के अवाम के लिए, जितने उन्होंने दारे नावे नारे वादे जो झूठ धोखा लोगों को बेचा था, अपनी बात पर अपनी बारे में बात करें उसमें से एक, हाँ इनकी परफॉर्मेंस में आपको चीजें मिलेंगी, इनकी परफॉर्मेंस में आपको वसीम अकरम प्लस मिलेगा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, बुजदार को उन्होंने बिठाया हुआ है, सुन लेना मेरी बात सुने, वो वसीम अकरम था कोई निकल गया, बुजदार साहब ने तो 4 आईजी चेंज कर दिए, 3 चीफ सेक्रेटरी वफाक से बैठ के उन्होंने चेंज कर दिए। अच्छा। आप मुझे पंजाब के अंदर इनके अपने वफाकी वज़रा, आप फवाद चौधरी को सुने, वो आपको पता लग जाएगा कि मेरी अर्ज सुना दोस्त, यहाँ सियासी वफादारियां बहुत सारे और लोग दोस्त हमें छोड़ के चले गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो भी छोड़ कर गया ना तो वो अगले 10-20 साल में उसकी स्थिति आपको नजर आएगी। 2.5 सालों में कुछ नहीं किया ये मानते हैं, बैड गवर्नेंस की तो तमाम हदें इन्होंने 2.5 सालों में ही क्रॉस कर दी मानते हैं हम, आपने कुछ नहीं किया हम ये भी मानते हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि आपने कुछ किया, अगर कराची में आपने किया, अफगान साहब कराची में रहते हैं, आप कराची में रहते हैं, आप बता दे या वो आपकी थाली इस पॉलिटिकल वर्कर्स में से हूं, मैं उन पॉलिटिकल वर्कर्स में से हूं, देखिए मेरी बात, मैं ये कहता हूँ हम कि हमने दूध और शहद की नहरें नहीं भाई, ठीक है मैं ये नहीं कहता कि हमने सारा काम सही, नहीं ऐसी बात नहीं है,
मगर मैं ये समझता हूँ कि अभी भी काम करने की, बहुत सारे चीजों को ठीक करने की जरूरत है, मगर एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, अदर पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने महदूद वसाइल में रहते हुए जितना बेहतर डिलीवर किया है, ये अगले 20 साल भी इख्तदार में रहे, ये डिलीवर नहीं कर सकते। आम आवाम को पता है कि पीडीएम क्या है, आम आवाम को नहीं पता सेनेट क्या है। वो कहते हैं कि रोटी महंगी हो गई, वो कहते हैं कि रोजगार हमसे छीन गया। मसला सारा जो है ना एक है, पीटीआई का। इस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट में वही ये मसले दूर कर सकती है ना, या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में सिंध में वो मसले दूर कर सकती है। पीटीआई का मसला ये कि पीटीआई इंतजार कर रही है कि कब नवाज शरीफ साहब अपना वो एक फ्लैट बेचेंगे, वो पैसे लेकर आएंगे। इसी तरह से इसहाक डार साहब अपना कोई फ्लैट बेचेंगे, वो पैसे लेकर आएंगे। शहबाज शरीफ की मिसेस का घर बिकेगा, उस पैसे, वो जब पैसा आएगा 3-4 अरब रुपया या 10 अरब रुपया, उससे ये पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। गवर्नमेंट को जो टैक्स ले रही है, जो इस वक्त गवर्नमेंट का खजाना है, उसके साथ क्या हो रहा है, ये लीस्ट बॉदर्ड है। इसीलिए डिलीवरेंस ये दे ही नहीं पा रहे, डिस्पाइट नवाज अपना इमरान खान साहब की नेक नियति के बावजूद। नेक नीति को क्या करें, टीम डिलीवर नहीं कर रही। टीम इसीलिए नहीं कर रही कि टीम सब इंतजार है, बैठी हुई है, सो रही है। टीम इंतजार है, बैठी हुई है कि वो एक फ्लैट बिकेगा। ये जैसा इन्होंने भी कहा कि जी बाहर से पैसा आएगा तो फिर हम काम करेंगे, अभी बोला ना इन्होंने, दे ऑल आर वेटिंग। बाकी गवर्नमेंट का खजाना कहीं भी जाए, ठीक है, बुजदार साहब उसके साथ क्या करें क्या ना करें, ये इंतजार है बैठे हुए कि वो फ्लैट बिकेगा और वो पैसा आएगा। और ये पूरे 2.5 साल इन्होंने गुजार दिए, आगे 5 साल भी इसी तरह से गुजार देंगे। बोल बोलिए कि वो पैसा आएगा। से भी पूछ लेते हैं डॉक्टर फरहानुल्लाह साहब, आप पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि आपके जो बाय रखे हुए खजाने हैं वो पाकिस्तान में आएंगे तो ये हुकूमत चलेगी, लगता है आपको कि आपके जो फ्लैट हैं, खास तौर पे फ्लैट्स की बात हो रही है, पीटीआई वाले कह रहे हैं ये खजाना आएगा तो हम यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी गुर्बत खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। देखिए, इन्होंने इलेक्शन में आने से पहले ये कहा था कि 60,000 अरब रुपए आएगी, वो हम जो है 200 अरब डॉलर आएगी वो हम मुंह पे मारेंगे आईएमएफ के, और 100 अरब डॉलर से मुल्क बनाएंगे। ये इनका प्लान था बेसिकली, ठीक है, ये इनका ग्रैंड प्लान ये था। बड़ा सोच कर समझ के इमरान खान ने महीनों सोच समझ के जो प्लान बनाया था वो ये था कि 200 अरब डॉलर बाहर से आएगी और 100 अरब डॉलर हम आईएमएफ के मुंह पे मारेंगे। ये अब वो हुआ नहीं, आपके सामने ही है। तो ये आप मुझे सिर्फ ये बता दें, एक होता है ना कि हम पूछते हैं कि इमरान खान ने झूठ कब कब बोला, मैं आपसे पूछता हूँ मुझे आप ये बता दें उसने सच कब बोला। उसने तो कभी जिंदगी में सच नहीं बोला, जो इंसान वो बोल ही नहीं सकता, अगर वो कोशिश भी करे ना तो जबान पे सच आ ही नहीं सकता। तो वो झूठ बोल बोल के यहाँ तक पहुंच गए, बाकी सारे पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया, कुछ लोगों के जाति मुफादात से वो पूरे हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अफनान साहब, लेकिन हम कब तक इन गर्दिशी कर्जों में फंसे रहेंगे? हम चाइना से लेके सऊदीया को दे देते हैं, सऊदीया फिर जो चाइना के वापस करने होते हैं तो हम दुबई से पकड़ लेते हैं पैसे, तो ये कब तक हम इस तरह चलते रहेंगे? जब तक देखिए इस मुल्क में इमरान खान जैसे लोगों को मुसल्लत किया जाएगा तो ये मुल्क ऐसे चलता रहेगा जैसे चल रहा है। तो सर आवाम ने मसलत किया, आवाम ने वोट आपको भी दिए थे, इनको भी दे दिए, अब इंतजार करें फिर 2023 तक, ताकि आवाम वोट दें आपको, आप दोबारा आए फिर। नहीं, इनको तो वोट नहीं दिए ना, इनको तो हमारे पोलिंग स्टेशन पे कब्जा किया पूरे पाकिस्तान में, उधर से लोगों को बाहर निकाला, मैं खुद लड़ा था इलेक्शन, और उसके बाद जो है वो फॉर्म 45 नहीं दिए, तो मतलब फ्रॉड इन्होंने मुल्क के साथ किया। चंद लोगों की जाती मुफादात थे वो पूरे हो गए और बस माल बनाने में लगे हुए सारे के सारे, और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहानी बना ली है कि जी ये फलाना आएगा। वही वाली बात है कि बाहर से आप कितने आप टैक्स कलेक्शन आपकी जो है वो बढ़ नहीं रही, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन करके माइनस में 60 साल बाद गई है। तो मतलब कोई आवेगा आवा बिगड़ा, उसकी वजह ये है, देखें आपने नशई को जिसका दिमाग ही नहीं चलता उसको उठा के मुल्क का वजीर आजम नहीं सर पर्सनल ना होना, ये तो वजीर आजम है, आप ऐसी बात ना करें अफनान साहब, यहाँ से बाहर क्या झूठ बोल के इन्होंने जिसके पीछे लगे हुए वो झूठ बोलने, डॉक्टर अफनान आप तो ऐसी बात ना करें, आप ये सारे के सारे झूठे और फ्रॉडी और चोर डाकू हैं ये, और ये बातें करते हैं इमरान खान की, इस तरह के डाकू हैं ये। अच्छा डॉक्टर माल खा गए, इनको मुस्तरद किया अवाम ने, मुस्तरद किया है, मुस्तरद शुदा टोला है, और इंशाल्लाह ताला ये सड़कों के ऊपर जिस तरह इन्होंने बोला था ना जरदारी को घसीटने का, अभी ये जरदारी को तो घसीट नहीं सके लेकिन ये खुद घसीट रहे हैं अभी इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में, ये सड़कों के ऊपर भीख मांगने पे भी आ गए। डॉक्टर अफनान साहब जो झूठी और मकार खातून है वो कल सड़कों के ऊपर भीख मांग रही थी कि मैंने जलसा करना है, पर्सनल नहीं होना, पर्सनल ना आपके साथ करना डॉक्टर साहब, आपकी औकात नहीं है ये बातें करते हैं, आप कारगर्दगी पे बात करें, कारगर्दगी पे बात करें, पर्सनल हूँ डॉक्टर अफनान साहब, आपको लगता है डॉक्टर साहब का आखिरी पॉइंट डॉक्टर साहब, आपको लगता है सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड्स के जरिए हो पाएंगे? आखिरी पॉइंट,
वही ये है कि सेनेट के जो इंतखाबात है उससे पहले जो है वो असेंबलियां जो है उधर से मस्तूफे देते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूट जो क्या कहते हैं जो कॉलेजेस हैं जहाँ से आपने वोट लेने हुए नहीं होंगे तो फिर जाहिर सेनेट का इलेक्शन कराना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। हमारी स्ट्रेटजी ये है कि सिंध में पंजाब में हम नसीफे दें, केपी में, बलूचिस्तान में और फिर बाद में जो है वो विफाक में भी दे दें। लेकिन इस्तीफे अगर आप देते हैं तो उसके बावजूद पीटीए की गवर्नमेंट कह नहीं जाएगी, वो जिमनी इंतखाबात की तरफ जाएंगे। देखिए जिमनी आप मुझे बता देना, आप 500 सीटों के बाद जिमनी इंतखाबात अगर आपने कराने आप करा लें। जिमनी इंतखाबात जो है वो इतने आसान नहीं होते कहना, वो इमरान खान साहब का कोई मसला है ना, वो होश में हो तो क्या कहते हैं तो बात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफनान साहब आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, सदा साहब आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं, उसी तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसियाँ हैं वो नजर नहीं आ रही। आपके खुद वफाकी वज़रा इमान वज़ीर आज़म ये बात कल खुद मान चुके हैं कि महंगाई को हम कंट्रोल नहीं कर सके, बाकी तमाम इशारे मस्बत हैं, तो जब महंगाई ही कंट्रोल में नहीं है तो मस्बत कहाँ है? सर ये मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के माफियाज हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। खान साहब बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले के अंदर, हर चीज़ के ऊपर वो देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमने इन माफिया जो थे सियासी इनका भी मुकाबला किया, हम इंशाल्लाह ताला ये जो दूसरे माफियाज हैं इनका भी मुकाबला करेंगे। लेकिन ये जो बात अभी साहब ने की ना इस्तीफों की, तो 500 इस्तीफे तो इसको पूछो है कहाँ पर, इनके पास 500 इस्तीफे हैं कहाँ पर? दे भी नहीं रहे हैं कहाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि है ही नहीं ना सर उनके पास, नहीं दे सकते इस्तीफे नहीं देंगे। लेकिन आप अपनी कारकर्दगी सीधी करें ना सरदार साहब, सरदार साहब अरे छोड़े उनको, आपको थ्रेट है तो अपने आप से है, थ्रेट है तो आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से, आप अपनी गवर्नेंस अच्छी कर ले, यकीन करें इनके पास तो कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोविड की वजह से भी पूरी दुनिया में किस तरीके का इकोनॉमी में फ्लॉप आया, लेकिन पाकिस्तान में उस तरीके का नहीं आया, तो जाहिर है ये खान साहब की ही पॉलिसी है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज क्या पॉलिसी है सर, उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन, हम तीन महीने तो लॉकडाउन में ही फंसे रहे, करना है नहीं करना तो, ये तो अल्लाह की रहमत है बस, बाकी उसने बचा लिया, बाकी गरीब खत्म हो जाएगा, पॉलिसी भी है ना, पॉलिसी कुछ नहीं थी, गरीब खत्म हो जाएगा जी, ना माने तो अलग बात है। देखिए बात ये है कि हमें जो है ना शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, लोग देख रहे हैं दोनों भाई है मेरे कुलीग सही, इनके लिए ये पर्सनल अटैक, आप बात कर रहे हैं मुदल्लल बात कर रहे हैं, दूसरी बात ये है कि जी इस नायल हुकूमत का, इस नालायक हुकूमत का जाना ठहर चुका है, उसकी वजह ही है ना। देखिए बात यह है कि अपोजिशन इनके खिलाफ तहरीक चलाए या ना चलाए, इनकी परफॉर्मेंस जब आप देखते हैं ना, जीडीपी मुल्क का जब नवाज शरीफ ने इक्तदार छोड़ा है तो 6.5 पे था, आज 0.4 कहाँ पे चला जाता है? छोड़ा तब का नहीं, अब हम बहुत बेहतर थे। अरे ना, आप उस वक्त की पेट्रोल की कीमतें लगाएं, उस वक्त की चीजों की, मैं एक एक चीज पे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, अच्छी बात है, लेकिन बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर, हमने आवाज बलोचिस्तान किया, हमने 58 भी किया, मैं आपको कारनामे गिनवाता हूँ ना, हमने ऐसा प्रोग्राम शुरू किया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको बाद में नवाज शरीफ ने भी और आज पीटीआई वाले भी अच्छी बात जो है उस पर सियासत कर रहे, नहीं हमने काम किए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2008 से लेकर 13 तक जो हम इक्तदार में आए, हमने जितनी हमारे पास, हालांकि उस वक्त भी हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी फेडरल के अंदर, मगर हमने बहुत सारे काम किए, हमने मैंने बताया आगाज हुकूमत बलूचिस्तान किया, उनका एनएफसी अवार्ड किसने कराया, 58(2)(b) किसने पार्लियामेंट को दोबारा वो चीजें दी, फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, फिर बहुत सारे लोगों को जो सियासी विक्टिमाइजेशन करके अदारों से निकाला गया था हमने उनको बहाल किया, बहुत सारे जिसमें कुछ लोग जो है ये तो सियासी पार्टी ही नहीं है, कोई नून पार्टी हिस्सा मिलना चाहिए सुबह सिंध को, वो वफाक नहीं दे रहा तो 2018 में नहीं मिला ना, उसके अलावा तो मिला ना, तमाम पैसा जितना पैसा सिंध गवर्नमेंट को मिल रहा है ना, जितना पैसा आपकी तरफ आ रहा है, जितना पैसा सिंध गवर्नमेंट को मिल रहा है और जितनी एम्बेजलमेंट इधर सिंध गवर्नमेंट में हो रही है ना, शायद पाकिस्तान की ना तो तारीख में कभी हुई है और ना होगी और ना हुई है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो आप बात कर रहे हैं, ये पीटीआई ने तमाम आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है,
कि नवाज शरीफ का फ्लैट बिकेगा तो आप सबको एक एक करोड़ रुपया मिल जाएगा और आप सब लोग गुर्बत से निकल आएंगे। ये कहानी इन्होंने ट्रकी बत्ती के पीछे लगाई है। देखिए ये सिवाय ये एक इनके पास एक ही पॉइंट है, इनके पास सिर्फ एक पॉइंट है कि जनाब इनसे पैसे जेब से निकलेंगे ना, जो गवर्नमेंट के खजाने में क्या आ रहा है उसे दे आर लीज बॉर्डर्ड, वो कहां जा रहा है क्या कर रहे हैं, दे आर अनेबल टू डिलीवर। इसका उधार उसके लिया, उसका उधार इसको देना, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये लेके आना है, लेकिन तरीका है ना, अगर वो ना भी लेके आए आप आगे तो चले ना। आपने तो आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे एक ही वाके पे लगाया हुआ है, डाकू चोर के नहीं छोड़ेंगे, नहीं लगाया हुआ है। सरदार साहब ये बात तो माने आप, ढाई साल में सिर्फ हम यही सुनते हैं, चोर डाकू पहले ये चलता था, अब कह रहे हैं आप इनको बाहर नहीं भेजेंगे, वो बाहर भी चले गए, खजाना वैसे ही खाली है, कोई इधर फाइलें मुंह पे मार रहा था, कोई 200 अरब मार रहा था, ये सब काम वैसा ही हुआ जैसे स्टील मिल तबाह हुई। सही, स्टील मिल तबाह हुई 2008 में, कोई आंधी नहीं आई, तूफान नहीं आया, जलजला नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 32 अरब रुपए जो स्टील मिल के अकाउंट में सरप्लस थे वो जरदारी साहब एक दिन बादशाह बने, दूसरे दिन उन्होंने निकलवा लिया अपना बंदा वहां पर लगा के। अच्छा, उसके बाद वहां मुस्तकिल खसारे में चलती रही, जब नवाज शरीफ आया उसने पक्के बंद कर दिया। आप जब लोग सड़कों पर खड़े ना तो याद उठा करके वापस अच्छा ठीक है, मान लिया, इसका बता देना कि आप इसका हल बता देना, आपके पास बड़ी खूबसूरत टीम है, उसका हल बताएं ना। आप चीजों का जब हाल की तरफ जाते हैं तो जो चीजें चलती हुई इन्होंने बंद कर दी, तो हमें कहते हैं रातों रात इसका हल बता, हम रातों रात स्टील में लगा दे, आप ये कह रहे हैं रातों रात नहीं, आपके 24 साल की मेहनत है, 22 साल खान साहब कहते रहे मैं प्लान कर रहा हूँ पाकिस्तान को चलाने के लिए, 22 साल की मेहनत है उनकी, तो प्लान कहाँ है, आप आम आवाम को पागल बना रहे थे कि आप हमारे पास प्लान है, मेरे पास अरस्तू है, आपने कहा हमारे पास असद उमर है ऐसा माशी प्लान लेके आएगा, ये 90 दिन में करप्शन खत्म, 100 दिन का ऐसा प्लान देंगे हम आपको, कख नहीं। आपको पता चला जब गवर्नमेंट मिली, खान साहब ने कहा मुझे जब गवर्नमेंट मिली मुझे पता ही नहीं चला कि अच्छा ये सब कुछ था, मैं तो सोच रहा था बड़ा आसान है। खान साहब ने ये कहा कि जब हमें गवर्नमेंट मिली, कुछ चीजों का जाहिर आदमी जब गवर्नमेंट में होता है उसको ज्यादा पता होता है, जो आदमी गवर्नमेंट से बाहर होता है उसको कम पता होता है। उन्होंने ये कहा, आप बोलते हैं उसको कि खान साहब ने पंजाबी कहते ना हुन आराम है, तो हुन पता चला फिर आपको, फिर तो अब पता चला तो उसके ऊपर काम हो रहा है, काम हो रहा है, नहीं हो रहा, आपके फील्डर सारे इकट्ठे हो गए, खान साहब ने सर सर आपके सरदार साहब आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, फील्डर स्लिप से सिली पॉइंट पे ले जाएंगे, ये क्रिकेट नहीं है खुदा रहा, ये मुल्क है, इस मुल्क को चलाना पड़ेगा पॉलिसीज के साथ, ये ना जो बंदा जहाँ पर काम कर रहा है, ये डे नाइट मैच थोड़ी हो रहा है कि आपने इधर हिट की उधर की और मैच जीत जाएंगे, ये मुल्क चलाना है सर, मुल्क चलाना है, इसके लिए ठोस पॉलिसियां होती हैं, थिंक टैंक्स होते हैं, बनाई जाती हैं पॉलिसियां, आप इधर ऐलान कर रहे होते हैं उधर मिनिस्टर को नहीं पता कि वो चेंज हो गया, आप वज़ीर आज़म को खुद नहीं पता होता कि वो वज़ीर आज़म है, काबीना की जितनी भी मीटिंग्स हैं वो मुस्तकिल हो रही हैं, इनके 6-6 महीने तो ये कभी वज़ीर इनसे मिल नहीं सकता था, ना नवाज शरीफ से और ना इनसे कभी पूछे, यहाँ भी ये यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, बड़ी अवामी पार्टी है। आप इनसे सवाल कुछ करें, चले खैर आप अपना जवाब दें, अपना जवाब दें आपको, मैं आपको ये बताऊँ की कोई भी इस वक्त सियासी जमात है जो अपोजिशन इस मुल्क में कर रही है, वो फराज का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि जब्त तो लाजम है मगर डर है कयामत का फराज, आज भी न रोए तो मर जाएंगे। अब भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को समझती है कि मैं अवाम की नुमाइंदा जमात हूँ, वो इनके खिलाफ इन नाएलों को, इन चोरों को मैं कहूंगा, ये जब जाएंगे आपको नजर आएंगे इनके बड़े बड़े स्कैंडल, अगर इनको इनको इकतदार के अवानों से बाहर निकालने में सपोर्ट नहीं करती ना, उसको तारीख माफ करेगी ना, वो इस मुल्क के अंदर सियासत के लिए हर सूरत में इनका जाना ठहरा है। इंकशाफ कर रहा हूँ अभी, PDM पूरी मुकम्मल तौर पर मिसाक़े जम्हूरियत वर्चुअली साइन कर चुकी है, ठीक है, आपने देखा होगा कौमी असेंबली के अंदर कुछ सही बिल पास हुए या तरामीम हुई या जो भी हुआ, कौमी असेंबली से पास हुए ना कुछ चीजें, बिल्कुल, बिल्कुल, कौन सी वो जो भी चीजें, मैं उनका नाम नहीं लेता, ले, नाम, पास मैं नाम को बता जो चीजें जीज़े पास हुई हैं इन लोगों ने वो पास कराई, सही, और वही वो मिसाक़े जम्हूरियत था, इसलिए ये गवर्नमेंट तो कहीं भी नहीं जाती, पहले गवर्नमेंट कहती है, ठीक है, ठीक है। और इमरान खान साहब का मसला सिर्फ यही है कि वो अभी तक लगे हुए प्रोसेस के अंदर, नेक नियत है, कोशिश कर रहे हैं अच्छी, लेकिन मैं इसी बता दूं कि इन लोगों को डिफेंड करना भी नहीं आता PTI को, इस वक्त वो बेसमेंट पे लगे हुए हैं, अभी घर ऊपर आया नहीं है, वो बेसमेंट पे लगे हुए हैं, फाउंडेशन पे लगे हुए हैं, जिस दिन फाउंडेशन ऊपर आएगी तो लोगों को नजर आएगा। सर आप तो डिफेंड भी नहीं कर सकते अपनी पार्टी की कारकर्दगी को, जिस तरह मेजर साहब बता रहे हैं, मेजर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तमाम इदारे काम कर रहे हैं, इदारे के अंदर इस्लाहात लेके आ रहे हैं, आस्ता आस्ता चीजें आएंगी, जिस वक्त बाहर से जितनी भी इन्वेस्टमेंट अभी आ रही है
तो वो आकर स्टेट बैंक के खजाने में नहीं आती कि दूसरे दिन आपको डॉलरों में मिल जाए। हर चीज जो यहाँ पर लग रही है काम हो रही है, बुनियाद रखी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार रसूल साहब, आपका बहुत शुक्रिया जनाब काजी अदील फारूकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया जनाब मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नासरीन, इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि संजीदा होके पाकिस्तान के लिए सोचा जाए। अपोजिशन जमातें और हुकूमत पाकिस्तान की जो इदारे तबाह हो चुके हैं, स्टील मिल की बात कर रहे हैं, PIA की बात कर रहे हैं, बुरा हाल है। इन इदारों को सही करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी पार्टीज़ इकट्ठी हों। हुकूमत को चाहिए कि वो स्टेप डाउन करे, वो इन पार्टीज़ को साथ मिला के बैठे, इस्लाहात की तरफ आएँ। 2023 के इलेक्शन आ रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत ही अच्छी ऑफ़र की कि आप बैठें, बताएं कि इलेक्शन मज़ीद शफाफ कैसे बनाए जा सकते हैं ताकि 2023 के इलेक्शन जो हैं वो साफ शफाफ हों। सेनेट के हवाले से जो इस्लाहात आ रही हैं वो भी काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन शर्त यह है कि इस वक्त सियासी मफाहमत होनी चाहिए और मुल्क को और मुल्क की जो इकॉनमी है उसको आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ नाज़रीन, आपने चूँकि कोरोना की दूसरी लहर है और इस लहर में ये लहर बहुत शदीद है, इसमें आपने ख्याल रखना है अपना और अपने प्यारों का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगेबान।